हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम देने जा रहे हैं अक्टूबर और नवंबर के सरकारी नौकरियों की जानकारी। आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी और फॉर्म भरने के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। दोस्तों, जॉब शुरू करने से पहले बता दें, जिन लोगों को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल चाहिए, मैंने वो स्टडी मटेरियल तैयार किया। आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना है, जिससे आप स्क्रॉल होके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर ऑल एग्जाम्स, इस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर इसके सारे PDF बुक्स जो हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे PDF जो हैं आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर ट्रिकी GS हिंदी में आपको GK वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में। दोस्तों, पहली जॉब जो है दिल्ली पुलिस द्वारा निकाली गई है। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो इसमें 554 वैकेंसी है। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 13 नवंबर 2019 है। इसका जॉब लोकेशन दिल्ली होगा। जिन लोगों को फॉर्म फिल करना और डिटेल में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर उनको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट तथा नंबर ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ फॉर्म को कैसे भरना है तथा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट PDF पढ़ने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली जॉब की। अगली जॉब जो है इंडियन रेलवे द्वारा निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो अप्रेंटिस की पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को 10वीं और उसके साथ साथ ITI पास होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 2500 वैकेंसी है इसमें। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2019 है। और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। आप यहां पर क्लिक करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगली जॉब जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो ACT ट्रेनी की है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कैंडिडेट को ITI पास होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 53 यानी 53 पोस्ट है। और इसका लास्ट डेट 15 नवंबर 2019 है। और तथा इसका जॉब लोकेशन भिलाई है। डिटेल में जानने के लिए आप यहां पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगली जॉब जो है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा निकाली गई है। इसमें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए एग्जाम होना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है तथा फॉर्म भरने का लास्ट डेट 8 नवंबर 2019 है। डिटेल में जानने के लिए आप यहां पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं, डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगली जॉब जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 18 पोस्ट है। और इसका लास्ट डेट जो है 14 नवंबर 2019 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिल कर दें। अब बात करते हैं अगली जॉब की, जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा निकाली गई है। इसमें भी अप्रेंटिस की वैकेंसी है और इसके लिए कैंडिडेट को 10वीं और ITI पास होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें टोटल 160 पोस्ट है इसमें तथा फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 5 नवंबर 2019 है। इसका जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया है। डिटेल में जानने के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे और ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म जो है MP ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भरा जाएगा, इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। आप यहां पर सारी डिटेल चेक करने के बाद यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है MP ऑनलाइन पोर्टल द्वारा भरा जाएगा, पश्चिम उत्तर मध्य रेल, तो इसीलिए बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। दोस्तों, अगली जॉब जो है उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा निकाली गई है। इसमें कई प्रकार की पोस्टें हैं। इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें जो है 1456 पोस्ट है तथा इसका लास्ट डेट 30 नवंबर 2019 है। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है। डिटेल में जाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली जॉब की, जो हरियाणा TT एग्जाम के बारे में है। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए, उसके साथ साथ BA DLED होना चाहिए। इसका लास्ट डेट 18 नवंबर 2019 है। जॉब लोकेशन हरियाणा है। डिटेल में जानने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली जॉब की, जो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई है। इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो जेलर की वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। टोटल पोस्ट की बात करें इसमें 1 वैकेंसी है। और इसका लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का 31 नवंबर 2019 है। जॉब लोकेशन तमिलनाडु है। जिन लोगों को फॉर्म भरना है आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं और फॉर्म को डिटेल में चेक करके भर सकते हैं। दोस्तों, अगली जॉब जो है बिहार पुलिस द्वारा निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। टोटल जो है इसमें 11,880 पद हैं और लास्ट डेट जो है 11 नवंबर 2019 है। जॉब लोकेशन इसका बिहार है। डिटेल में जानने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। अगली जॉब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई है, इसमें कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। टोटल 15 वैकेंसी है इसमें। जॉब लोकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 21 नवंबर 2019 है। डिटेल में जानकारी के लिए आपको यहां पे क्लिक करना होगा। तो चलिए बात करते हैं अगली जॉब की। अगली जॉब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ही निकाली गई है, इसमें जो पोस्ट नेम है समीक्षा अधिकारी की है। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। इसमें टोटल 132 वैकेंसी हैं। लास्ट डेट 21 नवंबर 2019 है। इसका जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है। जिन लोगों को डिटेल में जानकारी चाहिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अक्टूबर और नवंबर की सरकारी नौकरियों की जानकारी। आगे हम आपको ऐसे ही सभी जानकारी देते रहेंगे, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपसे कोई जॉब मिस ना हो। और जिन लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए उन लोगों के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।